ताज महोत्सव की तर्ज पर 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक शिल्पग्राम में प्री ताज कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को मंडला आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ताज कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए मंडला आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि आगरा इंटरनेशनल टूरिज्म सिटी है, लेकिन टूरिस्ट का आगरा में रात्रि में ठहराव ना होना यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख समस्या है। टूरिज्म तथा उससे जुड़ी इंडस्ट्री के विकास को गति देने तथा टूरिस्ट के आगरा में रात्रि प्रवास कराने के प्रयासों के क्रम में वीकेंड नाइट कल्चरल एक्टिविटी का सदर बाजार में शुभारंभ किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसी क्रम में टूरिज्म को प्रमोट करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों की श्रृंखला में ताज महोत्सव से पूर्व प्री ताज महोत्सव के रूप में शिल्पग्राम में 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ताज कार्निवल की रूपरेखा बनाई गई है। शिल्पग्राम में आयोजित होने वाले कार्निवल में प्रवेश निःशुल्क रहेगा तथा इसमें 50 से अधिक फूड स्टॉल लगाई जाएंगी, जिसमें आगरा के स्थानीय फूड के साथ ब्रज, राजस्थानी, अवधी, मुगलई, गुजराती, दक्षिण भारतीय व्यंजनों तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के फूड का पर्यटक लुफ्त ले सकेंगे तथा फूड हब को विकसित किया जाएगा। ताज कार्निवल में 15 अक्टूबर से 5 दिवसीय हॉट एयर बैलून राइड को विशेष आकर्षण के रूप में टूरिस्ट हेतु जोड़ा गया है। ताज महोत्सव तक इसे स्थायी रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। ताज कार्निवल में सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। मंडला आयुक्त ने कार्निवल के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि टूरिस्ट का रात्रि प्रवास तथा टूरिज्म व उससे जुड़ी इंडस्ट्री का विकास करना ही उक्त आयोजन का उद्देश्य है। ताज कार्निवल में पॉटरी, वुड कार्विंग, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट तथा विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे तथा प्रतिदिन स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य, लोकगीत, लोक नृत्य की सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। कार्निवल में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर को समर्पित मिलेट उत्पादों की स्टॉल भी स्थापित की जा रही है तथा इसी श्रृंखला में ADA द्वारा जोनल पार्क में डांडिया नृत्य का आयोजन भी किया जा रहा है तथा ताज कार्निवल के साथ होटल इंडस्ट्री को भी जोड़ा गया है तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पर शिल्पग्राम में ताज महोत्सव समिति द्वारा ताज कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशासन का संयुक्त प्रयास है, इसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको एक कल्चर और आर्टिज्म तीनों का कन्वर्जेंस करते हुए एक फेस्टिवल के रूप में चलाया जा रहा है। जो आगरा का फेमस ताज महोत्सव है फरवरी में होता है और उसमें काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। आगरा ऑलरेडी इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ में यहाँ टूरिज़्म को और बढ़ावा देने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे और एक्टिविटीज लाई जाएँ, जिससे जो लोग आएँ यहाँ पे एक दिन की विजिट नहीं उससे ज़्यादा विजिट करें और यहाँ पे रुकें। उसी दिशा में ये एक प्रयास है और ये कार्निवल है, ये सुबह 11 बजे से रात में 11 बजे तक चले, जिसमें विभिन्न स्टेट्स के एग्जीबिशन होगी। उसके अलावा यूपी के विभिन्न स्टेट्स के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इवन यूपी या यूपी के बाहर के आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया जाएगा। मंडला आयुक्त ने आगरा के टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास हेतु आयोजित किए जा रहे ताज कार्निवल के प्रचार प्रसार में सभी से सहयोग देने की अपील की है। पर्यटन की दृष्टि से इसे शासन प्रशासन की सकारात्मक पहल माना जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य विकास अधिकारी ए मणिकंडन, ADM सिटी अनूप कुमार, संयुक्त निदेशक पर्यटन अविनाश मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह, ADA सचिव गरिमा सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव, मोहम्मद सफ़ी आदि मौजूद रहे।